नाहन में सीपीआईएम की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीपीआईएम ने बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताई। राज्य सचिवालय सदस्य एवं सिरमौर के प्रभारी के तवर ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नाहन में आयोजित जिला स्तरीय बैठक के दौरान सीपीआईएम ने बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि जिस स्तर पर हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे हो रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों को देखते हुए नैतिकता के आधार पर प्रदेश के परिवहन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेताया कि अगर प्रदेश सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो सीपीआईएम 11 जुलाई के बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन आरंभ करेगी। इस दौरान राज्य सचिवालय सदस्य केएस तनवर ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान के बदले जो कंपनसेशन राशि दी जाती है वे काफी नहीं होती है। इसके अलावा फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को बीज व दवाइयों पर मिलने वाली सब्सिडी को कम कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इससे पहले जिला सिरमौर कमेटी ने इस बात पे बहुत शोक व्यक्त किया कि जिस स्तर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उसके ऊपर जो वर्तमान सरकार है कोई भी ठोस रूप से निर्णय नहीं ले रही, उसके जिम्मेवारी को लेते हुए जो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्हें रिज़ाइन देना चाहिए और उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि इतने सिरमौर जिला भी एक बहुत एक्सीडेंट प्रोन जिला है। यहाँ पर आज से पहले भी बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं और उसके कारण दो स्तर के ऊपर हैं, एक तो जो सड़कों की खराबी है और दूसरी तरफ जो बसों के हालात है या जो ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी है, तो उसके तहत हमें देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रोड्स हैं, अगर हम फोर लेन या ये हाईवेज को छोड़ दें, बाकी रोड्स की जो कंडीशंस है वो बद से बदतर हो रही है। और इस समय जो लिंक रोड है उसके ऊपर कोई भी ठोस पॉलिसी नहीं बनी। कई किस्म से बातचीत होती है पर जो एमपी और एमएलए का लोकल एरिया फंड है उसके द्वारा कई बार रोड्स बना दिए जाते हैं, उसमें कोई क्रैश बैरियर्स नहीं है, उसमें ना पैराफिट्स लगे हैं और उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में अगर हम पर कैपिटा देखें तो यहाँ एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। तो पार्टी ने इसका बड़ा संज्ञान लिया है और पार्टी ने ये भी तय किया है कि अगर आने वाले समय में ये अगर इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 11 जुलाई के बाद इसमें पूरा प्रदेश व्यापक इसके अंदर आंदोलन होंगे। इसी के साथ साथ इस समय कई अन्य इस समय जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ओलावृष्टि है और जो जंगली जानवरों की समस्या है उसके ऊपर भी सरकार बात तो कर रही है। केंद्रीय सरकार बार बार बात कर रही है कि 2022 तक एक आम जो किसान है उसके आय को दुगना किया जाएगा, पर उसमें जमीनी स्तर के ऊपर कोई ठोस कदम नहीं लिए गए हैं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।